अभी कुछ ही देर पे यहाँ पे शाही पेशवाई आने आई है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े की शाही जुलूस आएगी जो गंगा में जाके संगम नोच पर स्नान किए। हमारे साथ देख ले जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है, जो यहाँ पे देखिए दर्शकों का सुबह से ही भीड़ लगा हुआ है जो यहाँ पे साधु संतों को देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। इसके साथ साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और वो क्या है कि हॉर्स पे सवार होकर पूरे घाटों का निरीक्षण करने के लिए भी तैयार। इसके अलावा भी हमारे साथ घाट हम इनसे बात करेंगे कि बताइए आप कितनी देर से खड़े हुए हैं और क्यों खड़े हुए हैं। सर मैं यहाँ पिछले 2.5 घंटे से खड़ा हूँ सर, और लगभग 5:30 बजे शायद अखाड़े आने को आने। कहाँ से आए हैं आप? मैं इलाहाबाद से रहने वाला हूँ। देखिए ये हमारे साथ दर्शक थे जो यहाँ पे लंबी कतार लगाए हुए हैं और रात के 12 बजे से ही घाट पे बैठे हुए हैं और पूरे बस उनका एक ही एक निर्णय कि यहाँ जो साधु संत शाही स्नान करेंगे उनको देखने के लिए ये पूरी कतार लगी। इसके साथ साथ हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन फोर्स जो है वो पूरी तरीके से देखिए आप देख सकते हैं कि वो घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी बैरिकेटिंग किए गए हैं। इसके साथ साथ ये जो शाही जुलूस का जो जहां से शाही जुलूस आएगी उसकी जो निरीक्षण के लिए भी यहां पे DIG और उच्च पुलिस अधिकारी भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ देख सकते हैं आप किस तरह से ये अखाड़े की जो जहां पे शाही जुलूस आएगी वहां पे हमारे साथ साथ देखिए पुलिस के आला अधिकारी यहां पे निरीक्षण पे लगे हुए हैं और ये पूरी तैयारी करें क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पे कुछ ही देर पे जितने भी साधु संत महात्मा के जो शाही जुलूस आएंगे शाही स्नान करने के लिए इसी ट्रैक से आएंगे। इसलिए इस ट्रैक की पूरी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। हमारे साथ मोहित अग्रवाल सर हैं जो बताएंगे कि किस तरह से जुलूस की तैयारी के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कड़े इंतजाम किए। देखिए अभी थोड़ी देर में ही शाही स्नान के जुलूस आरंभ होंगे और पहला स्नान लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ पर होगा। इसके लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है।